ओके गाइस, लेट्स रिज्यूम। स्टार्ट करें ई वे बिल। तो ई वे बिल अपने अभी तक पढ़ लिए, यूनिक ई वे बिल नंबर। ई वे बिल नंबर आपको जनरेट करना पड़ता है, सॉरी ई वे बिल आप जनरेट करते हो पार्ट ए पार्ट बी में, और आपका अब प्रोसेस खत्म हो गया EWB01। तो गाइस अब आपने क्या कर लिए, अब गुड्स आपके गोडाउन से निकल गया है, गुड्स आपके गोडाउन से निकल गया है। अब बात करते हैं सर, जब रास्ता में गुड्स पहुंचता है कहां पे, जब रास्ते में गुड्स रहता है, अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं, एक सिचुएशन देता हूं। यह है वेस्ट बंगाल और यह है आंध्र प्रदेश। और बीच में आया छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल से गुड्स निकला इस कन्वेंस में, किस कन्वेंस में, ये वाले कन्वेंस में। ध्यान से सुनिएगा ये वाला क्वेश्चन, इस कन्वेंस में ये गुड्स निकला, तो यहां पर बैठा कंसाइनर और यहां पे बैठा है कंसाइनी। इसने पार्ट ए जनरेट कर दिया और यहां पे है ट्रांसपोर्टर T1। मैं बात कर रहा हूं T1 का। T1 कौन है, ट्रांसपोर्टर वन। T1 कौन है, ट्रांसपोर्टर वन, ठीक है, ट्रांसपोर्टर वन। अब ये वाला पार्ट ए में और ये वाला पार्ट बी में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, किसका डिटेल्स है, इस ट्रांसपोर्टर का डिटेल्स है, और किसका डिटेल्स है, जो गुड्स इस पर्टिकुलर ट्रक में है। अब यहां पे क्या लिखा है, ट्रक डिटेल्स, सॉरी पार्ट बी में क्या लिखा है, ट्रक डिटेल्स किसका, T1 का, करेक्ट। छत्तीसगढ़ में आके जब छत्तीसगढ़ गुड्स पहुंचती है तो कन्वेंस गेट्स चेंज्ड, कन्वेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। ध्यान से सुनना, मतलब गुड्स को देखिए, ये गुड्स यहां पहुंच गया, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं यहीं से अनलोड कर रहा हूं, गुड्स यहां से अनलोड होता है और यहां पे दूसरा गुड्स, दूसरा ट्रक खड़ा है, गुड्स यहां से अनलोड होता है और यहां पर लोड हो जाता है। ये है T2, कौन है, T2 कौन हो गया, ट्रांसपोर्टर 2। अब ट्रांसपोर्टर 2 गाड़ी नंबर सेम रहेगा क्या, ट्रक डिटेल्स गेट्स चेंज्ड, ट्रांसपोर्टर भी चेंज, ट्रक डिटेल्स भी चेंज। याद रखिएगा कंसाइनमेंट वही है, गुड्स वही है, सब चीज वही है, खाली बीच में कन्वेंस गॉट चेंज्ड इन ट्रांजिट। द गुड्स विच वॉज इन ट्रांजिट, उसका कन्वेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहां से छत्तीसगढ़ से गुड्स कौन लेके जाएगा, कंसाइनी लेके जाएगा। सजेस्ट ई वे बिल का क्या रूल होना चाहिए इसके ऊपर, तो
अपडेट, वेरी गुड आंसर, वेरी गुड आंसर, अच्छा आंसर दिया इसने, कि जो कन्वेंस का डिटेल्स है जो किस में भरा हुआ है ऑलरेडी, पार्ट बी में भरा हुआ है, जब ये वेस्ट बंगाल से चल रहा था तो जो कन्वेंस का डिटेल्स है पार्ट बी में अपडेट करना पड़ेगा, पहला पॉइंट। बट ये कन्वेंस का डिटेल्स तो ट्रांसपोर्टर टू को पता रहेगा ना, ये मुझे कैसे पता रहेगा कंसाइनर ए को बैठे बैठे। तो कंसाइनर ए को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बात सुनना प्लीज, प्लीज बात सुनना, कंसाइनर ए को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, वो ऑथोराइज करेगा ट्रांसपोर्टर टू को, वो ऑथोराइज करेगा ट्रांसपोर्टर टू को, या फिर जो ट्रांसपोर्टर वन है वो ऑथोराइज करेगा ट्रांसपोर्टर टू को। उसका नाम डालना पड़ेगा कि ट्रांसपोर्टर टू अब इस कन्वेंस को लेकर जा रहा है आगे। अब जैसे ट्रांसपोर्टर टू को ऑथोराइज किया जाएगा, प्लीज दुनिया का सुनिएगा बात ध्यान से, वंस दी ट्रांसपोर्टर टू को ऑथोराइजेशन स्टार्ट्स, ट्रांसपोर्टर टू विल फिल इन द डिटेल्स ऑफ हिस व्हीकल एंड अपडेट पार्ट बी, एंड वंस ही अपडेट पार्ट बी, इलेक्ट्रॉनिक ई वे बिल गेट्स रीजनरेटेड एंड देन अगेन ही कैन कैरी ऑन द गुड्स, टेकिंग दैट गुड्स इन अनदर कन्वेंस फ्रॉम छत्तीसगढ़ टू कंसाइनी, सॉरी टू वट एवर आंध्र प्रदेश। तो यानी सर बात सिंपल है, ई वे बिल एक ही जनरेट होगा, दो नहीं होगा। आप वेस्ट बंगाल से छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश, दो बार ई वे बिल नहीं जनरेट करेंगे। आज ये भी तो गवर्नमेंट कर सकता था, वेस्ट बंगाल से गाड़ी उठी, गुड्स उठी, यहां तक बोला कि पार्ट ए पार्ट बी जनरेट करो अलग, फिर छत्तीसगढ़ से आंध्र प्रदेश में आया, पार्ट ए फिर से जनरेट करो और फिर से ट्रांसपोर्टर टू का नाम डालो, उसी वे बिल पे नहीं चलेगा, दूसरा वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। बट गवर्नमेंट ने देखा ये करने से बहुत ज्यादा इश्यू हो जाएगा इंडस्ट्री को, एंड वी आर लिविंग इन अ कंट्री लाइक इंडिया, और यहाँ पे सेंट्रल जीएसटी है जो ऑल ओवर इंडिया एप्लीकेबल है, तो वाई ई वे बिल्स विल बी सेपरेटली इशूड। तो गवर्नमेंट ने, प्लीज सुनेंगे मेरा बात ध्यान से, इसके ऊपर एक प्रेस रिलीज आई थी 31 मार्च 2018 को, और 1 अप्रैल से ई वे बिल ऑल ओवर इंडिया पे एप्लीकेबल हो गया था। तो एक दिन पहले ये पर्टिकुलर इशू पे अमेंडमेंट आया था, और गारंटी मेरे को लगता है इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहां पे यही पुट अप किया गया था इशू कि सर मुझे बताइए क्या इस केस में दो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा, जब गुड्स कन्वेंस के एक कन्वेंस से दूसरा कन्वेंस में ट्रांसफर हो रहा है, तो क्या ट्रांसपोर्टर वन को फिर से, ट्रांसपोर्टर टू को फिर से ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो, ट्रांसपोर्टर टू विल अपडेट द डिटेल्स इन दी ओरिजिनल पार्ट बी ओनली, तो ओनली वन ई वे बिल विल बी रिक्वायर्ड, नॉट मल्टीपल ई वे बिल्स। ये चीज गवर्नमेंट ने प्रेस रिलीज में भी क्लैरिफाई किया है। तो आप मैट, आपको बात समझ में आई क्या, आपको बात समझ में आई कि एक ही ई वे बिल जनरेट होगा और वो ही कंटिन्यू चलता रहेगा, बट ऑथोराइजेशन कौन करेगा, सबसे पहले या तो ट्रांसपोर्टर या तो कंसाइनर ऑथोराइज करेगा नया ट्रांसपोर्टर को, तभी वो ट्रांसपोर्टर के पास प्रॉपर पावर आएगा कन्वेंस डिटेल्स को अपडेट करने के लिए। ठीक है, कोई भी रॉकेट साइंस लग रहा है किसी को? इजी है, बहुत इजी चैप्टर है। सबसे पहले आप पॉइंट एच पढ़ेंगे, फिर मैं आपको प्रेस रिलीज में लेके जाऊंगा। ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम वन कैन कन्वेंस टू अनदर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट बाय दी ट्रांसपोर्टर। अब ये कोई भी कारण से हो सकता है गाइस, जैसे सौम्या ने करेक्टली पॉइंट आउट किया कि या तो पहले से ही अग्रीड था कि दो ट्रांसपोर्टर इन्वॉल्व होंगे, या तो बीच में गाड़ी खराब हो गई, वट एवर लैंडस्लाइड फैक्टर हो गया, वट एवर फैक्टर से कारण से आपका गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये चीज इंश्योर किया कि गलत हाथों में गुड्स ना चला जाए, या गलत इवेजन नहीं हो जाए कि आपने सडनली दूसरे कन्वेंस में गुड्स मूव कर लिया, नहीं, इसका भी लॉ बना दिया कि दूसरा कन्वेंस क्या, तो दूसरा कन्वेंस का तुम अपडेट कर दो, बात समझ में आ रहा है? वरना पुराना ई वे बिल में चला गाड़ी नंबर 0000 और दूसरा कन्वेंस जिसमें आप डाले गुड्स वो है 420, तो जब आप छत्तीसगढ़ से, देखिए जब आप छत्तीसगढ़ के आंध्र प्रदेश के लिए निकलेंगे तो आपका ई वे बिल में नंबर क्या है, पुराना वाला गाड़ी का, बट एक्चुअल गुड्स कहां पे है, नया वाला गाड़ी में। एक बात आप समझ लो, ई वे बिल किस, कौन चेक करने वाला है, ऑफिसर चेक करने वाला है, कब, कन्वेंस के टाइम पे आपको रोकेगा, ई वे बिल दिखाओ, नंबर ऑफ गुड्स सब लिखा रहेगा, फिर वो देख लेगा, दिखाओ तुम्हारा ट्रक खोल के दिखाओ, वेरीफाई कर लेगा प्रॉपर लग रहा है, जाइए।
आई विल कम बैक टू दिस वेरिफिकेशन प्रोसेस, आई नो व्हाट इज योर क्वेश्चन. वेरिफिकेशन कैसे होगा सर? क्या फिजिकली होगा? अभी तो फिजिकली हो रहा है, बट इसको हम लोग ऑनलाइन करने वाले हैं. गवर्नमेंट इसके ऊपर बहुत हैवीली वर्क कर रहा है थ्रू RFID डिवाइसेस, जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइसेस. वहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन होगा. नथिंग विल बी ऑनलाइन इन द सेंस नॉट ऑनलाइन विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स. कि वो ट्रैकर लगाएगा जाएगा, उस पर मैं आऊँगा. लेट्स डू दिस फर्स्ट बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स. समझ में आया आपको? वो कहाँ से बिफोर सच ट्रांसफर, कहाँ से? ट्रक से दूसरा ट्रक, मतलब छत्तीसगढ़ पे वो ट्रक छोड़ा और दूसरा ट्रक पे जब वो गुड्स ट्रांसफर हो रहा है और फर्दर मूव हो रहा है, तो द ट्रांसपोर्टर शैल अपडेट द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन द ई वे बिल. ट्रांसपोर्टर क्या करेगा? ई वे बिल में डिटेल्स अपडेट करेगा. वो क्या बोलने वाला कि मेरा यहाँ पे स्टॉप हो जाता है. द कंसाइनर, याद रखिए, कंसाइनर मतलब जो मेरा वेस्ट बंगाल में बैठा है, या रेसिपिएंट जो आंध्र प्रदेश में बैठा है. बेसिकली हु इज कॉजिंग मूवमेंट एंड हु हैज फर्निस्ड इन पार्ट ए, जो पार्ट ए में इंफॉर्मेशन डाला था, याद आ रहा है, ओरिजिनल. और द ट्रांसपोर्टर मे असाइन द ई वे बिल नंबर टू अनदर एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर. वो क्या करेगा? ई वे बिल नंबर दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन कर देगा. वहां पे एक असाइन का ऑप्शन आता है, जैसे आप पार्ट ए जनरेट करते हो ना, वहां पे एक असाइन का ऑप्शन आता है. वो अभी आपको मैं नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि मेरे को मेरा लॉगिन आईडी पासवर्ड याद नहीं है, वरना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता कि ई वे बिल कैसे जनरेट होता है. बट दैट वो गाइज वो रिकॉर्ड में आ जाएगा, तो वो मैं डमी एंट्री करके थ्रू पास नहीं कर पाऊंगा. सो आई होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, तो एनरोल्ड ट्रांसपोर्टर, आप किसी दूसरे को दूसरे ट्रांसपोर्टर को असाइन कर सकते हो फॉर अपडेटिंग द इन्फॉर्मेशन इन पार्ट बी फॉर फर्दर मूवमेंट ऑफ द कंसाइन. मतलब सिंपल सा है, वो दूसरे को, दूसरे जो ट्रांसपोर्टर उसको क्या करेगा, असाइन करेगा, और दूसरा ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, अपडेट कर देगा अपना डिटेल्स ऑफ कन्वेयंस. वंस द डिटेल्स हैव बीन अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी, द कंसाइनर हु हैज फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए शैल नॉट बी अलाउड टू असाइन ई वे बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर. समझ में आया आपको? मान लीजिए उसी समय चर्चा चल रही है कि किसको किसको असाइन करे. आप एक जन को असाइन कर दिए और वो पार्ट बी में अपडेट कर दिया. अब आप किसी और ट्रांसपोर्टर को अपडेट करने नहीं दे सकते, क्योंकि अब आपका गुड्स ऑल स्टार्ट टू रेडी किक स्टार्ट है टू स्टार्ट ऑल इट्स फाइनली रेडी टू स्टार्ट फ्रॉम छत्तीसगढ़, क्योंकि कन्वेंस का डिटेल्स अपडेट हो गए. अब गाइज बताइए, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे गवर्नमेंट ने क्या किया, एक प्रेस रिलीज इशू किया, क्योंकि इंडस्ट्री को एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम पे डाउट आ रही थी और गवर्नमेंट ने उसको फिर यही क्लैरिफाई किया. प्लीज लास्ट पेज में आएंगे. प्रेस रिलीज पेज नंबर 8, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग ई वेबल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिएगा इसको आप. 31 मार्च 2018 को आया हुआ ये सिचुएशन दिया गवर्नमेंट ने. दो सेम होगा, सेम चीज है. दो सिचुएशन दिया गवर्नमेंट ने, पहला सिचुएशन को पढ़ते हैं. ठीक है, मैट अब प्लीज डायग्राम भी बनाते रहेंगे साथ में जैसे मैं बनाऊंगा. अ कंसाइनर इज रिक्वायर्ड टू मूव गुड्स फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी जेड. मैंने यही आपको समझाया है, सिटी एक्स से सिटी जेड में उसको जाना है. ठीक है, ही अपॉइंट्स ट्रांस, एक सेकेंड, सिटी एक्स से सिटी जेड में जाना है. ठीक है, सिटी जेड और ये है सिटी एक्स. ही अपॉइंट्स ट्रांसपोर्टर ए फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स. उसके लिए वो क्या करता है, ट्रांसपोर्टर ए को अपॉइंट करता है. ट्रांसपोर्टर ए मूव्स द गुड्स फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई. ये है सिटी वाई, बीच में सिटी वाई. तो ट्रांसपोर्टर ए क्या करता है, वो सिटी एक्स से सिटी वाई को गुड्स लेकर आ जाता है. फॉर कंप्लीटिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स दैट इज फ्रॉम सिटी वाई टू सिटी जेड. सिटी वाई से सिटी जेड मूव करने के लिए, कहां पे, सिटी वाई से सिटी जेड मूव करने के लिए, मतलब यहां से यहां, कहां से, देखिए आप डायग्राम ड्रॉ करते रहेगा. सिटी वाई से सिटी जेड मूव करने के लिए अब क्या होता है, ट्रांसपोर्टर ए नाउ हैंड्स ओवर द गुड्स टू ट्रांसपोर्टर बी. अब यहां पे ट्रांसपोर्टर बी की जिम्मेवारी है. देयर आफ्टर गुड्स आर मूव टू डेस्टिनेशन दैट इज सिटी वाई टू सिटी जेड बाय ट्रांसपोर्टर बी. अब ई वे बिल कैसे जनरेट होगा, यही तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था. समझ में आया. अब गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई कर दिया, ओनली वन ई वे बिल वुड बी रिक्वायर्ड. खाली एक तो ई वे बिल चाहिए. पार्ट ए कैन बी फिल्ड बाई द कंसाइनर एंड देन द ई वे बिल विल बी असाइंड बाई द कंसाइनर टू द
यही तो बात बोला गया था रूल्स में भी, कंसाइनर किसको असाइन करेगा, टू द ट्रांसपोर्टर ए, ट्रांसपोर्टर ए विल फिल द व्हीकल डिटेल्स इन पार्ट बी एंड विल मूव द गुड्स फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई। तो नॉर्मल प्रोविजन है गाइस, बात समझिए, ये तो नॉर्मल, अभी तक तो आपको पता ही था। अगर मैं नहीं भी बताता तो भी आपको पता था कि पार्ट ए में ट्रांस कंसाइनर भरेगा, कंसाइनर ए भरेगा, ट्रांसपोर्टर ए डिटेल्स भरेगा पार्ट बी में। वंस द डिटेल्स आर अपडेटेड इन पार्ट बी ही विल मूव द गुड्स फ्रॉम सिटी एक्स टू सिटी वाई। अब क्या होगा, जब सिटी वाई में रीच करेगा कौन, ट्रांसपोर्टर, ही विल असाइन द सेड ई वे बिल टू द ट्रांसपोर्टर बी। अब वो क्या करेगा, ई वे बिल असाइन कर देगा ट्रांसपोर्टर बी को। अब उसके बाद ट्रांसपोर्टर बी विल बी एबल टू अपडेट द डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। ट्रांसपोर्टर बी क्या कर, अब सुनिएगा, इस यहां पे एक ही चीज था लॉ में, अगर आप रूल्स में देखे थे, उन्होंने लिखा कंसाइनर, ये कंसाइनर उस पार्ट को असाइन करेगा, किसको असाइन करेगा, ई वे बिल को असाइन करेगा पार्ट ए। यहां पे इन्होंने क्या बोल दिया, ट्रांसपोर्टर करेगा ई वे बिल टू ट्रांसपोर्टर बी, मतलब ट्रांसपोर्टर असाइन कर देगा ई वे बिल जो जो गुड्स वो कैरी ऑन कर रहा था, जिस मोमेंट जो गुड्स वो कैरी ऑन कर रहा था, अब वो गुड्स कौन कैरी ऑन करेगा, ट्रांसपोर्टर बी। तो ट्रांसपोर्टर ए असाइन करेगा ई वे बिल किसको, ट्रांसपोर्टर बी को। एंड देयर आफ्टर ट्रांसपोर्टर बी विल बी एबल टू अपडेट द डिटेल्स ऑफ पार्ट बी। अब पार्ट बी का डिटेल्स ट्रांसपोर्टर बी अपडेट करेगा, अपना गाड़ी नंबर डालेगा, अपना डिटेल्स डालेगा, एंड देन ट्रांसपोर्टर बी विल फिल द डिटेल्स ऑफ व्हीकल एंड मूव द गुड्स फ्रॉम सिटी वाई टू सिटी जेड। यानी पार्ट ए एक ही चाहिए, पार्ट बी भी एक चाहिए, पार्ट बी अपडेट कर देगा ट्रांसपोर्टर, जहां पे उसको असाइन कर देगा या तो कंसाइनर या तो रेसिपिएंट, डिपेंडिंग ऑन केस टू केस। ठीक है, अब ऊपर आइए, ये चीज अपने कर चुके हैं, अब ऊपर आइए, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा प्लीज। अब देखिए गाइस, मेजर पोर्शन ऑफ योर ई वे बिल इज फिनिश्ड। अब थोड़ा माइन्यूट माइन्यूट पोर्शन बचा है विच इज वेरी सेल्फ अंडरस्टैंडेबल। स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए एक ट्रक है, ये ट्रक सिटी एक्स से सिटी वाई जा रहा है, जरूरी है क्या इसमें एक ही आदमी का गुड्स है, जरूरी है क्या इसमें एक ही आदमी का गुड्स है, बहुत सारे आदमी का गुड्स है, ई वे बिल एक ही होगा क्या, एक ही वे बिल होगा, ये बोले एक ही वे बिल होगा, कैसे, सब अपना अपना मूवमेंट कराए, अपना अपना ई वे बिल जनरेट किए, किसी का कहीं तक जाएगा, किसी का कहीं तक जाएगा, किसी का कहीं तक जाएगा, बट सिटी एक्स से सिटी वाई बहुत सारे प्लेसेस है, मैं सबको देते हुए जाऊंगा, जरूरी है क्या मेरे को कन्वेंस में खाली एक ही आदमी का लेकर जाना है, अरे कौन बोला आपको, आप जितना ही आदमी का लेके जाइए, तो ट्रांसपोर्टर तो पागल हो जाएगा। पता उसको क्या करना पड़ता है, आई टेल यू, मान लीजिए फाइल है, क्या है फाइल, ये एक फाइल है एग्जैक्टली यही फाइल है, समझो ऐसे जीएसटी का क्वेश्चन बैंक है, बट ये पहला ई वे बिल, दूसरा ई वे बिल, तीसरा ई वे बिल, चौथा ई वे बिल, ठीक है, ये ई वे बिल का बंच है उसके पास, वो सी टी एक्स से चला, मान लीजिए कितना पेज का है, 45 पेजेस का, मतलब 45 ई वे बिल्स है उसके पास, उसके कंसाइनमेंट में 45 लोगों का गुड्स जा रहा है, सब अपना अपना ई वे बिल जनरेट किए, एक साथ में जा रहा है, एक ही व्हीकल में जा रहा है। अब होगा क्या, सुनना मेरा बात, मैं सिटी एक्स से निकला, 10 किलोमीटर पहुंचते ही पहला जगह रोक दिया गया मेरे को, निकलो वेरिफिकेशन करवाओ। मैं बोला सर कौन सा गुड्स चेक करना है, बोला हमको वो चेक करेगा, हमको इस वाले गुड्स का ई वे बिल निकालो, हम पेज उल्टाते ही रह जाएगा, उल्टाते ही रह जाएगा पिच, पता ही नहीं चलेगा मेरे को, सब लोग सिमिलर गुड्स दिए हैं, पता नहीं किसका क्या है सर, पागल हो जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, एक कंसेप्ट लाया कंसोलिडेटेड ई वे बिल का, किसका ई वे बिल का, एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल कैरी करो जो लिंक्ड होगा टू मल्टीपल ई, जैसे गूगल ड्राइव सिखा रहे थे आप लोग, गूगल ड्राइव सिंक हो जाता है, बात समझ में आ रहा है, वैसे ये सिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, वैसे ये सिंक हो जाएगा। तो व्हेनेवर यू जनरेट, मतलब ये ट्रांसपोर्टर के लिए होता है, ट्रांसपोर्टर के पास मल्टीपल ई वे बिल्स आया, वो क्या करेगा, एक मास्टर
कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है, और वो अगर कंसोलिडेटेड ई वे बिल भी कैरी करता है तो भी द कंडीशन विल सफाइस। समझ में आ गया? तो देखिए ये होता है गाइस, ये होता है EWB02 में द नेक्स्ट फॉर्म कंसोलिडेटेड ई वे बिल। वॉट इफ मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेयंस। अगर एक ही गाड़ी में मल्टीपल कंसाइनमेंट्स जाएगा तो क्या करेंगे? द ट्रांसपोर्टर में इंडिकेट सीरियल नंबर ऑफ द ई वे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली। वो हर एक कंसाइनमेंट का इलेक्ट्रॉनिकली सीरियल नंबर इंडिकेट करेगा। एंड अ कंसोलिडेटेड ई वे बिल जनरेट कर सकता है, ये भी ऑनलाइन होगा, ये सब ऑनलाइन होगा इन फॉर्म EWB02 prior to the movement of the goods as the case may be, wo pata hi tha. Where the consigner consignee has not generated e-way bill and the value of the goods carrying the conveyance is more than 50,000, yahan pe kya hoga? Maan lijiye usme consignment ek aisa bhi hai jahan pe e-way bill generated nahi hai, to transporter khud se update kar lega, khud se generate kar lega. Dekhiye, the transporter shall generate the e-way bill on the basis of the invoice या बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलान इन फॉर्म EWB01, ये तो पहले ही पढ़ चुके थे पार्ट ए पार्ट बी, एंड मे ऑल्सो जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल प्रायर टू द मूवमेंट ऑफ गुड्स इन फॉर्म EWB02। इट इज ऑल नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाई रेलवेज एयर एंड वेसल। ये चीज आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आइए कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल, इंपॉर्टेंट मार्क करिए। ई वे बिल कैंसिलेशन, मान लीजिए मैंने पार्ट ए भरते भरते में से कुछ गलती हो गई, गलत डिटेल चला गया, पार्ट बी बढ़ते बढ़ते ट्रांसपोर्टर का गलत कन्वेंस डिटेल चला गया, क्या करें? हाथ पैर जोड़े ऑफिसर के पास जाए, माफी मांगे? इतना करने का दरकार नहीं है, 24 घंटा का समय कैंसिल कर सकता है, 24 घंटा का समय, गलती हो सकती है, टाइपो एरर। अरे आप कंप्यूटर में बैठ के, मैं यहां बैठे बैठे ई वे बिल जनरेट कर सकता हूं, टाइपोग्राफिकल एरर हो ही सकता है, इंसान है। तो गवर्नमेंट ने बोला 24 घंटा के अंदर ई वे बिल कैंसिल कर सकते हैं। बट बेस्ट प्रैक्टिस है कि जब आप ई वे बिल जनरेट कर रहे हो, बी वेरी वेरी मेटिकुलस कि ये जो भी चीज़ें गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में चला गया। एंड ई वे बिल जनरेट करना, ई वे बिल के ऊपर कुछ भी प्रॉब्लम आना, मतलब डायरेक्ट स्क्रूटनी आपके ऊपर, डायरेक्ट स्क्रूटनी। तो आप थोड़ा सा भी इसके ऊपर लापरवाही मत करिएगा, अपने क्लाइंट्स को भी यही एडवाइस करिएगा। तो वेर एन ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड बट गुड्स आर आइदर नॉट ट्रांसपोर्टेड, सप्लायर रेसिपिएंट का झमेला हो गया कि नहीं अब नहीं देगा हम तुमको, जाओ, बट ई वे बिल तो जनरेट हो गया, क्या करेंगे? कैंसिल कर देंगे। और आर नॉट ट्रांसपोर्टेड एज पर द डिटेल्स फर्निश्ड इन द ई वे बिल, गाड़ी नंबर दूसरा है, कुछ और डिटेल्स है, द ई वे बिल मे बी कैंसिल्ड ऑन द कॉमन पोर्टल 24 घंटा के अंदर अंदर फ्रॉम वेन जनरेशन टाइम। 24 घंटा टाइम दिया जाएगा, आप 24 घंटा के अंदर अंदर कैंसिल कर दो। इट cannot be cancelled if it has been verified in transit, important है। अगर एक बार आपका ई वे बिल चेक हो गया उसके बाद आप कैंसिल नहीं कर सकते, आप समझ गए ना क्यों? आप समझ गए ना क्यों? एक बार ऑफिसर चेक कर लिया फिर आप कैंसिलेशन वापस से नहीं कर सकते, बिकॉज इट हैज बीन वेरीफाइड। अपने पढ़ेंगे सर, ऑफिसर को कैसे पता, GST पोर्टल को कैसे पता चलेगा कि मेरा मेरा गुड्स वेरीफाई हुआ है? आपको बताऊंगा थोड़ी देर में कि जैसे ऑफिसर आपका गुड्स रोकेगा, जैसे ऑफिसर आपका गुड्स रोकेगा, वो एक रिपोर्ट सबमिट कर देगा ऑनलाइन कि आपकी गुड्स चेक हुई थी, इंटरसेप्ट हुई थी इस पर्टिकुलर डेट में, इस पर्टिकुलर टाइम में। अब आप ई वे बिल कैंसिल नहीं कर सकते, आप समझ गए? तो पुराना वाला स्कीम चालू हो जाएगा, तुम जनरेट किया कैंसिल किया, जनरेट किया कैंसिल किया, तुम बोलेगा हम तो जनरेट किया, हम तो कैंसिल भी तो कर दिया, गुड्स गया नहीं है मेरे पास से। आप बात समझ रहे हैं क्या? अरे पग समझ में आ रहा है तो पक्का? यस प्लीज क्वेश्चन। वापस बोलिए। सी अल्टीमेटली यू हैव टू चेक कि आपको ट्रांसपोर्टर को देखना पड़ेगा, तब लाइबिलिटी आ जाती है ट्रांसपोर्टर पे। आप इंडिपेंडेंटली कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो दैट इज फाइन, बट जब आप ओवरऑल ट्रांसपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू सोचोगे, जब वो एक जगह से दूसरा जगह गुड्स मूव करा रहा है और गुड्स की कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तब तो ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। आपको ओवरऑल सबके परस्पेक्टिव से सोचना पड़ेगा, आप ट्रांसपोर्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे, आप सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू, कंसाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे, आप कंसाइनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचोगे।
उसको ले पार्ट ए इनवॉइस का डिटेल्स लेना पड़ेगा, ट्रांसपोर्टर को इनवॉइस का डिटेल्स लेना पड़ेगा अपने सप्लायर और रेसिपिएंट से। आज सिंपल सा बात है, मैं किसी का गुड्स लेके जा रहा हूँ, तू बिका है ना, किससे बिका है, कहाँ बिका, मुझे पता होना चाहिए ना कि अंधाधुन लेके जा रहा हूँ, तब कंसाइनर ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई है पोस्ट ई वे बिल। अब हर कोई ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस कर नहीं सकता है, ये जितने भी दो नंबर वाले लोग काम करते थे ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस को चलाते थे और सब ब्लैक मनी में गुड्स लेके जाते थे, कच्चे में गुड्स लेके जाते थे, ये लोग ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा दिन ये लोग सस्टेन कर ही नहीं पाएंगे गिविन द नेट का स्ट्रक्चर, ऑनलाइन का स्ट्रक्चर जो आ गया है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखिए, ये सी मैंने आपको बताया था, यूनिक नंबर जनरेटेड इज वैलिड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 डेज फॉर अपडेशन ऑफ पार्ट बी। पार्ट बी को अपडेट करने के पहले आपको वो पार्ट ए 15 दिन तक वैलिड रहेगा। वैलिडिटी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी डिस्कस किए हैं कि सर ई वे बिल जनरेट करेगा तो उसका क्या वैलिडिटी रहेगा। अब आपका तो एक वैलिडिटी टाइम रहता है ना कि ई वे बिल पूरा साल भर चलेगा, नहीं, याद है डिस्टेंस मैंने आपको बताया था, डिस्टेंस के बेसिस पे डिसाइड होगा कि आपकी ई वे बिल कितने दिन तक वैलिड होनी चाहिए। तो हर 100 किलोमीटर याद रखिएगा अप टू 1 दिन मिलेगा, कितना मिलेगा 1 दिन, अप टू पहला अप टू 100 किलोमीटर, पहला 100 किलोमीटर कितना 1 दिन, और फॉर हेवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, पहला अप टू 100 किलो, आई मीन फॉर एवरी 100 किलोमीटर आफ्टर 100, मतलब अगर मान लीजिए 110 है तो अप टू 100 कितना है 1 दिन, नेक्स्ट 10 किलोमीटर का भी क्या हो जाएगा 1 दिन हो जाएगा, तो टोटल वैलिडिटी पीरियड क्या हो जाएगा 2 दिन हो जाएगा। आप समझ गए, स्लैब समझ रहे आप? तो ये भी आपसे ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जा रहा है, पूछ सकता है कि यू हैव ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ दिस, हाउ मच, व्हाट विल बी द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई वे बिल। तो फॉर एवरी 100 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ, याद रखिएगा राउंड ऑफ, वन एडिशनल डे, एक और दिन आपको मिलता रहेगा। अब यहां पे ब्रैकेट में क्या लिखा है सर, अदर देन ओवर डायमेंशनल कार्गो, ये सब क्या है? ओवर डायमेंशनल कार्गो क्या है? प्लांट एंड मशीनरी, हैवी मशीनरी और हैवी वेट गुड्स, जो बहुत ज्यादा वेटेड होता है, जैसे क्रेन्स हो गया, ट्रक्स हो गए, गाड़ी हो गई, ये सब अगर आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली ये सब में टाइम बहुत लगता है, आपको रुक रुक के जाना पड़ता है। तो यहां पे क्या कर दिया, किलोमीटर कर दिया कम और दिन रख दिया सेम, दिन वही है, किलोमीटर रख दिया कितना कम, कि 20 किलोमीटर, मतलब अगर आपका ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो हर 20 किलोमीटर, पहला 20 किलोमीटर होगा 1 दिन और उसके बाद हर 20 20 20 20 किलोमीटर और पार्ट देयर ऑफ में क्या हो जाएगा, वन एडिशनल डे। बताइए अगर मैं 72 किलोमीटर जा रहा हूं ओवर डायमेंशनल कार्गो का केस है तो वैलिडिटी पीरियड क्या होगा, अप टू 10, सॉरी अप टू 21, फिर 40 60 70 कंप्लीट हुआ और टू और, समझिए अप टू 20 क्या है, फिर 40 60 70, ठीक है, 4 × 1 कितना दिन हुआ, 4 और दिन हुआ, टोटल कितना दिन हो गया 5 दिन हो गया। अरे आप अल्टीमेटली क्या किए, अप टू 20 कितना डेज कर रहे हैं 1 दिन, ठीक है, तो नेक्स्ट नेक्स्ट 60 की आप एक बार नेक्स्ट 60 करो, नेक्स्ट 60 मतलब 2 दिन की एक, 3 दिन, 3 दिन तो 3 दिन वैलिड हो रहा ना, अरे 20 × 3, ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 करो 2 दिन तो 1 दिन और कवर हो जाएगा, तो 3 + 1 + 1 दिस इज 5। नहीं समझ में आया, एक सेकेंड रुको, हो सकता है मैं गलत हूं, अल्टीमेटली 80 है, 80 / 20 कर दो, 4 दिन हो, मैं गलत था सॉरी, आप राउंड ऑफ कर दो ना, 72 तो आप राउंड ऑफ कर दो, अल्टीमेटली 80 / 20 तो 4 दिन हो जाएगा, ठीक है, 2 दिन आ जाएगा, 2 दिन आ जाएगा, क्योंकि और पार्ट देयर ऑफ लिखा है वो, या लिखे और पार्ट देयर ऑफ आफ्टर,
ठीक है, पॉइंट्स टू बी रिमेम्बर्ड, ये अच्छा क्वेश्चन है। सलोनी। चौबीस दिसंबर 2018 की बात है, आपने 17:59:04 या 15 हटी है, आपने ई वे बिल जनरेट किया। आपको पता होना चाहिए द मोमेंट यू जनरेट ई वे बिल, द मोमेंट यू जनरेट ई वे बिल, उसका डेट उसका टाइम अपने आप ई वे बिल में आ जाता है और वहां पे ऑटोमेटिकली काउंट वैलिडिटी पीरियड दिखा दिया जाता है कैलकुलेट करके। तो इस केस में अब आप मान लो 100 किलोमीटर के लिए आपने ई वे बिल जनरेट किया, ठीक है। अब आप जब 100 किलोमीटर के लिए ई वे बिल जनरेट किए तो जस्ट इमेजिन आपने डेट, आपका टाइम क्या आया, 17:59:04, 24 दिसंबर का आपका वैलिडिटी पीरियड बताइए कब तक वैलिड है। 25 दिसंबर कब तक ई वे बिल कब कैंसिल हो जाएगा अपने आप। हमको फाइनल टाइम बताओ कब तक ये वैलिड है। इलेवन फिफ्टी नाइन, समझ में आया। यानी हाँ कोई छुट्टी नहीं है क्रिसमस छुट्टी चाहिए तुमको। तो 24 दिसंबर को, हाँ ट्रांसपोर्टर अगर कृष्ण निकला तो मैं आपको बताऊंगा, उसका भी प्रोविजन है उसका भी प्रोविजन है, एंड द प्रोविजन इज दैट ट्रांसपोर्टर के पास अपॉर्चुनिटी अगर वो चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है, वो रीजन भी लिख सकता है दैट आई एम एंजॉयिंग हॉलीडे हाँ लिख सकता है, अरे फॉर्म में है, फॉर्म में रीजन है, फॉर्म में रीजन है कि ही इफ ही हैज जस्टिफाइड रीजन, वो रीजन लिखेगा उसको कितना दिन का एक्सटेंशन चाहिए, वो एक्सटेंशन लेगा और उसका ई वे बिल उतना एक्सटेंड हो जाएगा ऑब्वियसली। हाँ तो छुट्टी का रीजन ले लेना। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा गाइस, 24 दिसंबर का आपने इस दिन जनरेट किया बट आपका मिडनाइट से वो कैलकुलेट करेगा, मतलब उस दिन का रात हो गया, फिर आपको फ्रेश एक दिन पूरा वो दे देगा। तो 25 दिसंबर रात का 12 बजे आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ई वे बिल एक्सपायर हो जाएगा। और उसके बाद अगर 1 बजे, मान लीजिए 1 बजे आप गुड्स पहुंच पहुंच गए आपका, तो बच गए आप, लेकिन मान लीजिए रात ही को पकड़ लिया और आपका ई वे बिल देखा एक्सपायर, तो गुड्स इज लाइबल टू बी सीज्ड। हाँ गुड्स इज लाइबल टू बी सीज्ड। अब आप सोचेंगे 12 बज गया यार 2 घंटा में आ जाएगा, बोले नहीं, एक्चुअली 12 बजे पहुंचते बट ड्राइवर क्या बोले, नहीं पहले तो खाना खाएंगे पेट पूजा करेंगे, तो 2 घंटा उसका वेस्ट हो गया ढाबा में। अब आपको पता है रात का टाइम है, ज़्यादा चेकिंग होता है और हाईवेज में तो ट्रक्स ही मेन चलता है, तो उसको 2 घंटा लेट हो गया पहुंचने में। अब वो लिखेगा ईटिंग फूड एट ढाबा फॉर रीजन ऑफ एक्सटेंशन, वो रीजन ऑफ एक्सटेंशन क्या लिखेगा, ईटिंग फूड, बट वो एक्सटेंड ऐसे नहीं कर पाएगा, कंसाइनर कंसाइनी भोजन इन्वॉल्व है, तब जाके वो एक्सटेंड कर पाएगा। क्लैरिटी आ गई। तो ई पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच द ई वे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड ईच डे शैल बी काउंटेड एज द पीरियड एक्सपायरिंग एट मिडनाइट ऑफ द डे इमीजिएटली फॉलोइंग द डेट ऑफ जनरेशन ऑफ ई वे बिल, अगले दिन से वो काउंट हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है निशा के लिए, निशा इसके ऊपर भी प्रेस रिलीज आया हुआ है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जवाब देंगे मेरे को ध्यान से। सैटरडे का दिन था, शाम का 4:30 बजा था,
ठीक है, एक कस्टमर आपके पास आया, आप जस्ट निकलने वाले थे ऑफिस से छुट्टी मनाने के लिए, सैटरडे संडे ऑफ, फ्रेंड को फ़ोन किया चल मिलते हैं शॉपिंग के लिए एक्स वाई जेड प्लेस में, मनी स्क्वायर मॉल में, आज ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे वो खरीदेंगे। कस्टमर आपके अब सिर पे बैठ गया, वो आपको पेमेंट दे रहा है 2 लाख रुपीज़ क्योंकि आपने उसको पैसा बेचा था, आप गुड्स बेचा था, अब वो आपसे और कोई गुड्स खरीद रहा है, ठीक है, तो आप बोलेंगे ठीक है चला जाएगा, ट्रांसपोर्टर एंड ऑल सारा डिटेल्स विडेल्स आप ले लिए, आप पार्ट ए जनरेट कर दिए, डन, क्या पार्ट ए जनरेट कर दिया। ट्रांसपोर्टर बोला हम सैटरडे संडे ऑफ है, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मंडे को गुड्स लेकर जाएगा, करेक्ट, हम मंडे को गुड्स लेके जाएगा। माई पॉइंट इज अब क्या सिचुएशन में हम फंस गया, सोचो हम पार्ट ए जनरेट कर दिया बट पार्ट बी जनरेट क्यों नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कन्वेंस, क्योंकि ट्रांसपोर्टर ही रेडी नहीं है। तो ये ई वे बिल जनरेट किया हुआ सिचुएशन का क्या किया जाए, कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। देखो मैंने आपको सब चीज समझा दी, आप कितना बढ़िया से आंसर दे रहे हो, गवर्नमेंट का भी यही आंसर था, गवर्नमेंट का भी यही आंसर था कि व्हाई डू यू पैनिक, आप पार्ट ए जनरेट कर दिए, सैटरडे को कोई इशू नहीं है, ट्रांसपोर्टर जब पार्ट बी जनरेट करेगा तो ही मूव होगा गुड्स, तो ट्रांसपोर्टर मंडे को पार्ट बी जनरेट करेगा और फर्दर गुड्स को मूव करा लेगा, तो ई वे बिल कैंसिल नहीं करना है आपको, आपको पार्ट ए कैंसिल नहीं करना है, एंड यू नो दैट 15 डेज तक है टाइम फॉर अपडेशन इन पार्ट बी। तो गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई किया कि कंसाइनर हैंड्स ओवर हिज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू ट्रांसपोर्ट, ठीक है मेरे एग्जाम्पल में सैटरडे था या फ्राइडे है, ये एग्जैक्ट केस है, ये मेरा कोई चेंज नहीं किया हुआ है, एग्जैक्ट ये प्रेस रिलीज आया था कि कंसाइनर हैंड्स ओवर हिज गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर को गुड्स दे दिया, ये ले पार्ट ए जनरेटेड, लेकिन द असाइन ट्रांसपोर्टर स्टार्ट द मूवमेंट ऑन मंडे, असाइन ट्रांसपोर्टर स्टार्ट द मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑन मंडे, हाउ वुड द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल विल बी कैलकुलेटेड। इसमें और एक पॉइंट है, आपने पार्ट ए जनरेट कर दिया कब, फ्राइडे, अब इमेजिन करना सिचुएशन को, मैंने पार्ट ए जनरेट किया फ्राइडे को, इमेजिन करिए 200 किलोमीटर कितना वैलिडिटी, 2 दिन कितना वैलिडिटी, ध्यान से सुनना, अब क्या होगा, मूव कब से हो रही है, अरे खत्म ही हो गया टाइम, बस यही प्रेस रिलीज कंफर्म कर दिया, ये चीज काफी दुविधा थी काफी बिजनेसमैन को, तो ये दुविधा आप लोग अपने आप ही क्लियर कर लिए प्रेस रिलीज में, क्लियर हुआ, देखिए ये लिखा है द वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल स्टार्ट्स ओनली आफ्टर डिटेल्स इन पार्ट बी आर अपडेटेड बाय द ट्रांसपोर्टर फॉर द फर्स्ट टाइम, फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट दैट सब्सिक्वेंट मूवमेंट, सब्सिक्वेंट मूवमेंट में वैलिडिटी बढ़वानी पड़ेगी आपको, बात समझेगा, याद आया मैंने आपको बताया था CTX, CTY, CTZ, तो CTX जब पार्ट ए भराया जाएगा तो CTX वाला पार्ट ए वाला बिल में आपको पूरा कवर करना पड़ेगा फ्रॉम CTX टू CTZ, आप CTX से CTY, CTY से CTZ नहीं कर सकते, करना है तो आप कर सकते हैं, आप दो ई वे बिल भी जनरेट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, बट आपको ट्रैकिंग रखनी पड़ेगी फिर, आज नॉर्मल बिजनेसमैन क्या चाहेगा, हम ट्रैकिंग नहीं रखेंगे, एक बार चला गया फिर तुम अपना ट्रांसपोर्टर समझो, बात समझ में आ रहा है ना आपको, कंसाइनर कैन फिल इन द डिटेल्स इन पार्ट ए ऑन फ्राइडे, मजे से जाके सैटरडे संडे रिलैक्स करेगा, हैंड ओवर हिज गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर, व्हेन द ट्रांसपोर्टर इज रेडी टू मूव द गुड्स ही कैन फिल पार्ट बी, दैट इज द असाइंड ट्रांसपोर्टर कैन फिल द डिटेल्स इन पार्ट बी मंडे एंड द वैलिडिटी विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, दैट इज द कैच, ठीक है ऊपर आइए एक बार,
तो ये चीज आपको याद रखना गाइस, वैलिडिटी। अब देखो पॉइंट बी सी डी बस ओवर होता है। कमिश्नर ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द जीएसटी काउंसिल मे एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई वे बिल फॉर सर्टेन स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ गुड्स। कुछ कुछ गुड्स, स्पेसिफिक गुड्स के लिए गवर्नमेंट अगर चाहे तो एक्सटेंड कर सकता है वैलिडिटी गिवन द नेचर। द ट्रांसपोर्टर इंपॉर्टेंट है, द ट्रांसपोर्टर मे एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड आफ्टर अपडेटिंग द डिटेल्स इन पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी EWB-01। वो वैलिडिटी पीरियड बढ़ सकता है आफ्टर अपडेटिंग द डिटेल्स इफ रिक्वायर्ड अंडर द सर्कमस्टेंस ऑफ एन एक्सेप्शनल नेचर इंक्लूडिंग ट्रांसशिपमेंट। शिपमेंट समझ में आया? ट्रांसशिपमेंट मतलब वन कन्वेंस टू अनदर, आपने एक गाड़ी से दूसरा गाड़ी में गुड्स ट्रांसफर किया, याद आया? गुड्स मूवमेंट इन ट्रांजिट अभी अभी पढ़ के गए थे। वन कन्वेंस टू अदर दैट इज नोन एज ट्रांसशिपमेंट। उसमें आपको टाइम लग गया, तो ये सब एक्सेप्शन सर्कमस्टांसेस की वजह से आप पार्ट बी का वैलिडिटी बढ़वा सकते हो इफ द गुड्स कैन नॉट बी ट्रांसपोर्टेड विद इन द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द ई वे बिल। लास्ट पॉइंट, द ई वे बिल जनरेटेड अंडर दिस रूल 138 ऑफ अंडर दिस रूल और रूल 138 ऑफ एसजीएसटी रूल्स। इंपॉर्टेंट है गाइस, सेम है, ठीक है, नंबर बिल्कुल सेम है। रूल 138 ऑफ दिस रूल मतलब कौन सा? सीजीएसटी रूल्स। कौन सा रूल्स? सीजीएसटी रूल्स या एसजीएसटी रूल्स? मुझे बताइए, क्या ऐसा है क्या कि ई वे बिल फॉर वेस्ट बंगाल अलग है, ई वे बिल उड़ीसा के लिए अलग है, उसके लिए पहले था सर, अब नहीं है? अभी गुड स्टार्ट हो रहा है कहां से? ई वे बिल अंडर वेस्ट बंगाल से, तो वेस्ट बंगाल का ई वे बिल उड़ीसा में भी अप्लाई होगा, बाकी सारे स्टेट्स में अप्लीकेबल होगा। तो यही चीज क्लैरिफाई की गई है कि ई वे बिल अंडर दिस रूल ऑफ 138 ऑफ सीजीएसटी रूल और एसजीएसटी रूल शैल बी वैलिड इन एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। बस पॉइंट के पढ़ लेते हैं बिफोर वी ओवर टूडेज क्लास, फिर अपने इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास आगे बढ़ाएंगे। गाइस सिंपल सा बात है, एक्सेप्शन एंड रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल, एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ ई वे बिल। सिंपल सा बात समझिए, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है सप्लायर, जो मूवमेंट कॉज कर रहा है सप्लायर, जस्ट वन मिनट, मान लीजिए मूवमेंट कॉज कर रहा है सप्लायर और वो मूवमेंट कर रहा है रेसिपिएंट को, ठीक है? नो व्हाट विल हैपन, लिसन टू मी, याद आया पार्ट ए पार्ट बी ईडब्ल्यूबी का 01 अपने पढ़े थे कि जैसे ई वे बिल नंबर जनरेट होगा किसको किसको पता चल जाएगा? अगर सप्लायर ने कुछ गलत डिटेल्स भरा है या वाइसी वर्सा, रेसिपिएंट अगर मूवमेंट कॉज कर रहा है तो वो गलत डिटेल्स भरा है, डोंट यू थिंक सामने वाला आदमी को पता चल जाना चाहिए? नहीं तो फिर ऐसा लगेगा कि मान लीजिए सप्लायर ए है, रेसिपिएंट बी है, सप्लायर ए गलत ई वे बिल जनरेट किया, वो रेसिपिएंट बी का रिकॉर्ड्स में आ जाएगा। अब रेसिपिएंट वो परचेस किया ही नहीं है, बट रेसिपिएंट के हाथ में जब स्क्रूटिनी होगी रेसिपिएंट तो फंस जाएगा कि यार तुम तो गलत ई वे बिल जनरेट किया है, मेरे को तो गुड्स मिला ही नहीं है इतना, मेरे को तो गुड्स और ही नंबर मिला है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहां पे गवर्नमेंट ने राइट दिया है किसको? टू द ऑपोजिट पार्टी। इफ सप्लायर, इफ कंसाइनर पहले बात सुन लो प्लीज, इफ कंसाइनर इज जनरेटिंग देन द रेसिपिएंट हैज अ राइट टू रिजेक्ट। रेसिपिएंट हैज अ राइट टू रिजेक्ट, वो रिजेक्ट कर सकता है, रेसिपिएंट के पास राइट है रिजेक्ट करने का। सर अल्टीमेटली क्या होता है मैं आपको बताता हूं, सामने वाला पार्टी को या तो एक्सेप्ट करना पड़ता है या तो रिजेक्ट करना पड़ता है, दैट्स इट। अगर वो एक्सेप्ट कर दिया तो बहुत बढ़िया, रिजेक्ट कर दिया तो वो ई वे बिल कैंसिल हो जाता है और उसके पास 72 आवर्स होते हैं। कितने? अगर वो 72 घंटा में कैंसिल, अगर 72 घंटा में वो रिस्पॉन्स नहीं करता, दैट इज डीम टू बी एक्सेप्टेड, दैट इज डीम टू बी एक्सेप्टेड। तो ये चीज आपको याद है मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़े थे आईटीसी का, सिमिलर कॉन्सेप्ट यही होता है कि मैंने ई वे बिल जनरेट किया, रेसिपिएंट को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। देखिए
The details of the e-way bill generated shall be made available to the recipient if registered on the common portal, who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill in case the information is furnished by the registered supplier in part A. Obviously, अगर supplier registered है वो part A generate किया तो किसको ये communication भेजना होगा? Recipient को. अब वैसे vice versa and vice versa. ठीक है. Next, where the recipient does not communicate his acceptance within or does not communicate his acceptance or rejection within 72 hours of the details being made available to him. मतलब समझ गया, जब वो उसको e-way bill का copy मिला online, जब उसको e-way bill का copy मिला, या फिर until the delivery of goods whichever is earlier. Obviously, वो e-way bill का copy उसको जब मिल गया या गुड्स उसको मिल गया, विच एवर इज अर्लियर, उस टाइम से 72 आवर्स के अंदर अंदर उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा, एल्स इट शैल बी डीम्ड दैट ही हैज एक्सेप्टेड सच डिटेल्स. मान लिया जाएगा कि उसने सारा का सारा डिटेल्स एक्सेप्ट कर लिया है. क्लैरिटी आ गया गाइस? तो आज की क्लास में हम लोग एक बेसिक फंडा ले चुके ई वे बिल के ऊपर 138 में, कि ई वे बिल इज रिक्वायर्ड टू बी uploaded by any registered person causing movement of goods prior to commencement of movement of goods in relation to supply other than supply received inward supply from unregistered person where consignment value is more than 50,000. This consignment value means inclusive of taxes, and this consignment value does not include exempt supplies. फिर अपने पड़े part A, part B. Part A generate करना पड़ता है supplier को या recipient को या transporter को. Ultimately part A is contains all those details which is related to invoice. आपका सारा details होता है. Part B में होता है conveyance details and details of the transporter, details of movement of goods in transit. जब conveyance दूसरा conveyance से transfer होता है तो आपको supplier को part A में पूरा detail देना पड़ता है, but he can assign the e-way bill to the next transporter and that next transporter can update the details of his transport in part B for further movement of goods. Press release भी आ चुका है, तो ये भी उस चीज़ को clarify करता है. Validity आपको याद रखना है, 1 day for every 100 kilometers, every additional up to 100 kilometers, for every 100 kilometers or part thereof 1 additional day होगा, लेकिन over dimensional cargo के लिए नहीं. Over dimensional cargo के लिए 20 kilometer है, up to 20 kilometer 1 day होगा, और every 20 kilometers के लिए part thereof additional day count होता रहेगा. Validity will be counted only from the time when the part B is generated. Part A generate हो गया, does not matter. Part B generate होगा तो ही e-way bill count होता है, वही से आपकी validity period count होती है. तो press release का second answer भी आपको question का answer मिल चुका. Midnight वाला provision याद रखेंगे कि next midnight से जो आपका count हो रहा है वही day होगा, ताकि mistakes नहीं हो calculation करते समय. ठीक है, please बोलिए. तो प्लीज घर जाके इसको रिवाइज करिएगा. टुमारो विल कंटिन्यू विद दिस. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ ग्रेट टाइम.